ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा MP3 प्लेयर बिल्कुल ठीक हो चुका है और बेहतरीन चार्ज। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इस MP3 के बारे में, ये MP3 चार्जिंग नहीं कर रहा, ये ऑन हो रहा है लेकिन ये चार्जिंग नहीं कर रहा क्योंकि इसका चार्जिंग वाला जैक टूट चुका है। ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर इसको चार्ज पे लगाते हैं वहाँ पे ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसका जैक अंदर से टूटा हुआ है। ये किस तरह रिपेयर करेंगे दोस्तों, अब जल्दी से इसको खोलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये आप अगर आपका ऐसा रकम MP3 प्लेयर ख़राब है तो आपने उसको किस तरह ठीक करना है। ये आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग पिन काम नहीं कर रही, जल्दी से इसको खोलते हैं और आपको चेक कराते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके अंदर यहाँ से जैक टूटा हुआ है दोस्तों, और ये दूसरा जैक हम यहाँ पे लगाने लगे हैं। दूसरा जैक लगाने के लिए दोस्तों आपने बहुत एक चीज़ जहन में रखनी है कि मीटर की तार है आपने प्रॉपर लगानी है, ठीक है जी। लाल तार आपने मीटर की सीधे हाथ की तरफ लगानी है और काली दूसरे हाथ की तरफ। उसके बाद आपने बेस की रेंज पर रखना है और मीटर पे स्विच पर चार्जिंग लगा के आपने चार्जिंग जैक लगा के उसमें देखना है कि कौन सी साइड नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है। ये आप देख सकते हैं मीटर पे अभी निशान आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी लीडें उलट लगी हुई हैं, जो काले वाली है उसमें पॉजिटिव है और लाल वाली में नेगेटिव है। जब मीटर पे निशान नहीं हो तो आपने उस तरह से तारें लगानी है। ये देख सकते हैं अभी उलट दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लीडों को चेंज किया हमने, ये देख सकते हैं आप अभी इस मीटर पर निशान नहीं आ रहा और वोल्टी ये दिखा रहा है। अब जिस साइड पे हमारी लाल तार है वो हमारी पॉजिटिव है और जिस साइड पे काली है वो हमारी नेगेटिव पेन है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपने पहले जैक को चेक कर लेना है और उसके बाद आपने बोर्ड पे लगाना है। बोर्ड पे लगाने के लिए दोस्तों आपने इसी तरह बोर्ड पे भी चेक करना है कि किस साइड पे कौन सी पेन लगेगी, पॉजिटिव किस साइड पर, नेगेटिव किस साइड पर। इसलिए आपने मीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है बजर की लाइन पर, और जो उसकी बॉडी वाली चीज़ हो कोई भी हो USB पॉइंट या कोई भी, उसके साथ आपने एक पिन लगाएं उसकी, और दूसरी जिस साइड पे बोले वो सारे उसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ये जिधर जिधर मीटर आपका आवाज़ दे रहा है, कंटिन्यूटी दे रहा है, वो उसके नेगेटिव पॉइंट है, और दूसरा जो कोने वाला है वो पॉजिटिव पॉइंट है। जैक का एक कोना जो नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है, या आपने इस तरह चेक कर लेना है। नेगेटिव आप अगर चाहें तो उसकी बॉडी के साथ भी उसकी पिन टच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन पॉजिटिव आपने गलत नहीं लगाना। इस तरह आपने तसल्ली कर लेनी और उसके बाद जैक लगाना है। आप देख सकते हैं हमने पॉजिटिव की उसके ऊपर एक तार लगा दी है और नेगेटिव उसकी बॉडी के साथ कर दी ग्राउंड के साथ। अब ये जैक जिधर हम सोल्ड करेंगे ये वहीं से इसकी एक पिन नेगेटिव हो जाएगी और पॉजिटिव हमने अपने पॉजिटिव पॉइंट पर लगा दिए। जल्दी से हम इसको बंद कर लेते हैं और आपको चेक कराते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जैसे ही हम चार्जिंग पिन लगाते हैं तो इसके अंदर लाइट ऑन हो जाती है, ये इसकी चार्जिंग पिन। दोस्तों हमारा MP3 बिल्कुल ओके हो गया, इसका चार्जिंग का मसला था, चार्जिंग जैक टूटा हुआ था, ये भी इसकी चार्जिंग बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, खुदा हाफिज़।